हेलो एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज ग्वालियर का मौसम बहुत ही सुहाना है, तो हम लोग आए हैं ग्वालियर किले पे घूमने के लिए। और ये कुछ फॉरेनर्स ग्वालियर फोर्ट को देखकर नीचे उतरते हुए। और हम लोग आ चुके हैं किले पर ऊपर, और देखिए कितनी हरियाली है इस समय यहाँ पर, इतना सुहाना मौसम हो रहा है। आज के दिन हम किले आए हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा है। तो ये लोग पार्किंग के लिए गाड़ी लगाने गए हैं। रास्ता नहीं है। ये देखिए नीचे जाने का रास्ता, और यहाँ से पानी लाने के लिए नीचे। उस समय तो बहुत साफ रहता होगा। नहीं भैया, जी कहाँ जाओगे भाई साहब? और ये हमारा मुआयना करने जा रहा है। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अब हम देखने जा रहे हैं मस्त व्यू। और ये देखिए कितना सुंदर दरवाजा बनाया है इसका। चलिए अब आपको एक नई लोकेशन दिखा रहे हैं हम किले पे ही। आइए, ये है कोटेश्वर मंदिर। और मौसम भी बहुत मस्त हो रहा है इस समय। वो तो बंद है। और ये पुरातत्व की मूर्तियां पुराने समय की बहुत खंडित हो गई। सूर्यास्त और सूर्योदय। कोई गाइड वगैरह तो नहीं लेना था महल के लिए? नहीं, लोकल है। यहाँ तो सब घूमा। इस वाले नीचे साइड चलते। बढ़िया हवा चल रही है यार, मस्त मस्त हवा चल रही है। और हम लोग किले पे घूमने का आनंद ले रहे हैं। और ये आ गया हम मानसिंह पैलेस के। अब हम देखेंगे इस जगह इतनी सारी चीज़ें। तो
चल तू भी जा। बोला नया स्टेडियम कहाँ पे? पीछे से भी है। कुछ जलाया कहाँ पे? बिल्कुल सफेद निकल रहा है। चला होता है वो सेट करके लेते हैं। ओपन ले लो ले लो ओ कितना अच्छा लग रहा है। वो केड़ा हो रहा है बहुत पास में उतर रहा होगा वो कड़का हो रहा है जा रहा है वो बादलों में चला गया बादलों में घुस गया कितना बड़ा एकदम आया हो गया। हां वो आ गया अब वो दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया फिर घुस गया इस तरफ जा रहा है ये फिर घुस गया मुड़ रहा है वो टेढ़े होके कहां गया ऐसे जाएगा सीधे चेक कर रहा होगा जमीन पे चल रहे हैं कि नहीं मौसम बहुत अच्छा है ये बहुत बड़ा है ना स्टेडियम पापा गए हैं 3,500 की टिकट मिल रहे थे बाद हम गए तो दे शानदार हवा आ रही है भाई में और हवा इतनी शानदार है कि आपको एसी की जरूरत नहीं है। झटका सामने को व्यू देखिए आवाज कितना शानदार व्यू है ग्वालियर का और बारिश का मौसम हो रहा है तो घूमने में मजा भी अलग ही आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है एसी जैसी। का कर तुम खड़े वाओ कितना लेगा ना तो आया आ गया एक बात ठीक।
एक बार और भैया आराम से यहाँ पे ऊपर से चालू कर दी तो काटते रहना अपने आप थोड़ा सस्ता ले। चलते हैं कर्ण महल, अब हम जा रहे हैं आगे। चलिए क्या कर दिए नहीं इधर से थोड़ी था वहां से था तो यहाँ पे दो गेट थे जो इन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले ही बंद कर दिए हैं। हाँ यहाँ पे इतनी गंदगी थी, यहाँ पे साफ सफाई कर दी गई है। वाओ, लेकिन यार चिंकादर की पॉटी वगैरह होगी बदबूदार, बहुत गंदी स्मेल है। अरे ऐसे पहला बोल दिया, मैं नहीं बोलने वाला था। आइए हम इसके अंदर चलते हैं। नहीं अभी उधर चलो, सीढ़ी बनने लगी, देख लो सीढ़ी बनने लगी बाहर निकालने के लिए। बहुत टाइम तक चलता है यार। अब हम जा रहे हैं जौहर कुंड देखने के लिए जा रहे हैं। ये इसके नीचे प्रसादन भी है जो कि ये कबूतर की वजह से तुम लेट कर ले। कितना सुंदर व्यू है यार, बहुत अच्छा हो रहा है। जहांगीर महल, जहांगीर महल, जहांगीर तो कुछ भी नहीं दिख रही। अबे यार जहांगीर के आने के लिए बनाया गया था इसमें जहांगीर। हम अब जा रहे हैं एक बड़े से कुएं में जिसमें पानी भरा है और ये बारिश का पानी है और बहुत बड़ा कुआं है। अभी इतनी बारिश हुई है ग्वालियर में कि पूरा कुंड भर गया। ये कुंड है, इसमें है ना जमी रोग, पराना रोग, चमड़ी रोग ठीक हो जाते हैं। ये वाला रोग इसमें हाथी भी है, डाल दो मच्छर वगैरह सब कुछ है। नहीं है, ये अंग्रेजों के समय बनाया गया, ये पुराना है सब। अब देखिए आप, बहुत पानी भरा हुआ। आप चीजें चलती रहे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए कैसे लहर रहा है, पानी हवा। अंग्रेजी के समय का दिखाई लग रहा है, कंपनी समय का। आइए आप कुंड देखते हैं, बताइए देख के बस। हमारे डुग्गू ने इसमें मछलियां डाली हैं ला ला के। क्या है, स्वर्ण रेखा नाले में बहुत सारी मछलियां आई थी, डुग्गू ने है ना बल ली थी और डुग्गू फिर इधर ट्रांसफर कर गया। अब जो बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हमारा डुग्गू इसमें से निकाल के पका के खाएगा।
बेबी बेबी देख के हैं। ध्यान हटाया। जाने के लिए हमें मना कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह हो गई हैं, तो गार्ड वगैरह यहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है। तो अब गेट बंद होने का समय आ गया है, तो हम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है सीटी बजा बजा के। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, बिना सीटी बजाए हम लोग निकलते नहीं हैं क्योंकि और पानी भी आ रहा है लगता है, बारिश भी होने का मौसम हो रहा है, काले बादल तो हो ही रहे हैं। ये लोग बैठ के तोपे चलाते हैं, ये देखिए तो एक चीज नोटिस हो रही है, फुल लग गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, पानी आ रहा है। मोटी मोटी बूंदे आ चुकी है पानी की। और पानी आ चुका है और अब हम सब लोग जा रहे हैं घर के लिए जल्दी से। इस ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।